हम भी कहते हैं परिषद महाराज, एक समय था जब संकट में जूझ देते थे बड़ा राजा करते थे, और ये हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं शास्त्री योगेश अटल, कुणाल पूजापा से प्रांगण में पधारे हैं, जो आज से 15 साल पहले उनके साथ में रहते थे। 5-6 वर्ष उन्होंने लगातार हमारी बहुत सेवा की, बहुत ही प्यारा बालक है, बहुत ही सम्मान उपासन यूट्यूब पर योगेश शेखन के द्वारा आपने कथा को भी सुना होगा, जो हमें भगवान के लिए 501 मुद्रा और इस मुकुट से सम्मान देते हैं। भगवान इस बेटा को दीर्घायु समृद्धि प्रदान करे, मेरा आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे ऊपर है और रहे, सदैव सम्मान प्रचार करके भगवान पद पर सम्मान प्रचार करके इस कथा का प्रचार प्रसार करते हुए गुरु और माता पिता समाज का नाम रोशन करते हो, यही तुम्हारे लिए हमारी प्रार्थना है। बोली आनंद कन्हैया भगवान की जय हो। आइयो पार कर दिया कान भैया, सीधे चले जाओ बुद्धोर का है द्वारपाल के पास में आ गए। सुनामा जी द्वारपाल ने पूछा, भैया कौन हो तुम, क्योंकि दसई ऐसी है बेना हो, सर में पगड़ी नहीं है, पैरों में पनही नहीं है, एक धोती ये पत्थर से लिपटे हैं, चलते चलते पैरों में बीमारी लगी, फतरे हैं, कांटा लगा है, धूप छा रही है। सुदामा जी बोले, भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं कर्नाटकपुर नगर से आया हूँ और जो दोहरिका का जो राजा है ना कन्हैया, वो हमारा मित्र है, वो कन्हैया से मिलो ही द्वारपाल बोला बारे बेचारी भगवान को अपना मित्र कहता शर्म नहीं आती, तो आंखों में आंसू लेके सुदामा बोले, भैया मैं भिखारी नहीं हूं। क्या बोले सुदामा, मेरा नाम है सुदामा।
जवाब भैया भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, गुरुकुल में साथ साथ पढ़े। एक बार का दौर का जिसको अवगत बना दो, श्री सुखदेव जी साधारण करते हैं राजन परीक्षक। वो बार बार चरण भगवान के पास में पहुंचा, उस समय पर भगवान सद्भाव के साथ साथ खेल रहे हैं।